दोस्तों आज भारत में कई तरह की गाड़ियां बनती है जिसे देश विदेश में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साल 2000 के बाद भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी विकास हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में बनने वाले सबसे पहली कार कौन सी थी? दोस्तों भारत में बनने वाले सबसे पहली कार हिंदुस्तान एम्बेसडर थी। इसे हिंदुस्तान मोटर द्वारा साल 1958 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के साथ ही यह कार काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था। कंपनी ने साल 2014 में इस कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया। क्या आपको ये फैक्ट पता था? इस तरह और फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।